बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे आपका भाइयों का शुक्रिया, मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है मुस्लिम लीग नून के जियालों के लिए कि आज हमारे कायद मियां नवाज शरीफ चार साल की जिला वतनी काट कर आज उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा है। और ये देखें कि पूरे ये जम्बे गफीर कोटली आज़ाद कश्मीर से जो है ना ये यहाँ लोग इनके चाहने वाले आए हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से ये लोग मियां नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि मियां साहब को जिन लोगों ने, हमें इस बात में बड़ी खुशी है कि जिन शख्सियात ने मियां साहब को जिला वतन किया था आज वही उनको ला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं मियां साहब की मोहब्बत में ग्रेटर पार्क में। तो आप भी आज़ाद कश्मीर से इधर आए हैं तो इस्तकबाल करने आप इधर पहुंचे हैं, तो वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं फिर मियां साहब को? अल्लाह की मेहरबानी से चौथी बार आज का दिन हम जो सुबह सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। कश्मीर वाले। आप सोच लें कि कितनी खलकत आई हुई है। ये हमारे लिए ईद का दिन है और ये इस पाकिस्तान की किस्मत को बदलने का दिन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्सियत है जिसने जब भी हुकूमत में आया इसको मुल्क को तब्दील किया, मुल्क को तरक्की की तरफ ले गया, और जब भी उनके खिलाफ साजिश हुई तो फिर मुल्क तबाही की तरफ गया। और इसी तरह ये मुल्क को मुख्तलिफ मौके पर तबाह किया गया, लेकिन इस वक्त अल्लाह का करम है इन लोगों को भी कुछ अकल आ गई है जो ये हरकतें करते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब जो दोबारा आए हैं वो एक नए मिशन के साथ आए हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये जो आप हमारी मशीयत तबाह होगी इसको दोबारा बहाल कराएंगे और इसको वापस अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। सर, मियां साहब की मोहब्बत में आप सिंध से पंजाब में आ गए हैं, तशरीफ ले हैं सिर्फ और सिर्फ फक्त उनकी मोहब्बत के लिए, तो मियां साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं फिर? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत आपने देखनी है ना तो आप मेरे सांगड़ में आ जाएं, आप देखें कि आपको मोहब्बत क्या मिलती है मियां की। और पूरे सिंध में आप यकीन करें सिंध में मुतबादल नहीं है जरदारी का उस वक्त, और इंशाल्लाह अब इस वक्त हम मुतबादल बन रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्सियत है जिस जब भी मतलब हुकूमत में आए उनके लिए, और हम मोहब्बत में हमारी मोहब्बत बिल्कुल अनमोल है। हमें वो मोहब्बत है जो किसी बेटे को बाप से होती है, जो किसी मतलब एक ऐसी मोहब्बत जो मिट नहीं सकती। हमारे जो कायद हैं वो चार साल की जला वतनी काट के और पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, हम उनके इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। असल जो इनकलाब है वो मियां नवाज शरीफ की सूरत में है और इंशाल्लाह हमारे कायद इस मुल्क की मौशियत को, इकॉनमी को हर तरह से इंशाल्लाह दुरुस्त फरमाएंगे, हमारा ये ईमान है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं फिर? जी इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने नहीं, बनेंगे, बन चुके हैं। आज का माहौल आपको बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है। आप इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल जोगदार जोग लोग करने दूर दूर से आ रहे हैं। हम भी सिटी फरुखाबाद से हम आए हैं, हमारा तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग से है और हमारे कायद जो पंजाब के हैं वो सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब हैं। और मेरे साथ की कहोगे मियां साहब की मोहब्बत है बेचे ये दिला जमात है, देख सकते हैं इन्होंने मियां साहब की मोहब्बत में मोबाइल के पीछे भी उनकी तस्वीर लगाई है और अपने हाथ में भी मियां अपने कायद की तस्वीर पकड़ी हुई है। मियां साहब फिर महंगाई नु थले कर लेंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बन लो इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया। नाज़रीन आवाम का यही कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनेंगे और मुल्की हालात भी बेहतर होंगे। इसी के साथ अपने होस्ट साथी मलिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।